हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बस उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो ये मेरा व्लॉग है ट्यूसडे का। यहाँ पर मैं शाम को है ना एक चाट बना रही थी, आप इसे सैलेड भी कह सकते हो। यहाँ पर मैं अनियन, कुकम्बर, एक टमाटर और एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा लेमन लेके इसको मैं फाइन चॉप करूँगी। और मुझे ना ये मूंग जो होते हैं ना, होल मूंग, उसको मैंने सोक करने रख दिया था ओवरनाइट। एंड अभी मैं ना उसकी एक चाट बना रही हूँ। मैंने अनियन ले लिया है यहाँ पे, और अभी ये कुकम्बर भी कट करके ले लिया है, एक ग्रीन चिली और एक टमाटर। और मेरे पास ना थोड़ा सा आम था, रॉ मैंगो था मेरे पास, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे लेमन भी यूज़ करने वाली हूँ। सो इतना सा मैं लेमन ले रही हूँ। अब इसमें ये मैंने ये होल जो मूंग थे ना, होल मूंग, इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए ना बॉईल करने रख दिया था ताकि ये थोड़े से पक जाए, एकदम ऐसे कच्चे ना लगे। थोड़े से मैंने इसे कुक किए हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दूँगी इसमें, और मेरी चाट जो है वो रेडी है। फिर हम लोग को शाम को चाय के साथ लेने वाले थे। इसे मैं टेस्ट कर रही हूँ ये कैसे था, कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा बना था ये भी, आप ट्राई करके देखो। वाइट वाइट मटर होता है ना, वो भी ले सकते हो आप इसकी जगह, मूंग की जगह। आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। चना भी ले सकते हो, ब्राउन चना होता है वो। मैं थोड़े से मेरे बेबी को दे रही हूँ यहाँ पे। ये देखो, उसने उसका खेल खेल रही थी वो, और खाने के बाद नीचे चली गई है थोड़ी देर। एंड गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो एक लाइक दे दीजिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और जहाँ पर मैं ये उसके खिलौने रखती हूँ ना, वो भी बहुत गंदा हो चुका था उस जगह वो, तो उसे भी मैं झाड़ू पोछा करके वहाँ पे रख दूँगी अच्छे से। एक्चुअली ना इस टाइम पे मेरी जेठानी आ गई थी, तो मैं उससे बात कर रही थी और ये शूट मैंने बंद कर दिया था वीडियो, तो मैं वो पोछा लगाना मैंने शूट नहीं किया था। तो उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में और मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिनर। मैं कुछ अलग बना रही हूँ अभी। ये मैंने पहले अनियन, मिर्चे और लहसुन, एक टमाटर, थोड़ा कड़ी पत्ता और धनिया लिया है। इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी तेल में, थोड़ा सा तेल डाल के तवे पे भूनना है हमें। इसका हमें पेस्ट बनाना है मसालों का ये। और यहाँ पर मैं ना थोड़े से होल स्पाइसेस भी ले रही हूँ, इसे भी मैंने भूनने रख दिया है तवे पे। और ये अभी टमाटर और करी लीव्स ऐड कर दिए मैंने।
और हमें ना थोड़ा सा ड्राई कोकोनट भी लगेगा ये ऐसे, तो मैं इतनी क्वांटिटी में ले रही हूँ वो, तो उसे भी हमें थोड़ा से पतले स्लाइस में कट करके हमें अलग से मैं उसको रोस्ट करूँगी तवे पे, क्योंकि ना ये तुरंत एक मिनट के अंदर ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाता है, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मैं इसके साथ वो रोस्ट करूँगी ना तो ज़्यादा जल जाएंगे, इसलिए इस सब निकालने के बाद मैं इसे नारियल को रोस्ट करूँगी। इसे मैं सीधा मिक्सी के बर्तन में निकाल रही हूँ, इसे ठंडा करने दूँगी, पूरा ठंडा होने दूँगी, फिर इसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। आपके पास अगर अदरक है तो फिर वो भी ले सकते हो आप, क्योंकि मेरे पास अभी वो ख़त्म हो गया था और सिर्फ अदरक लेने के लिए मैं बाहर नहीं जाऊँगी। ये रोस्ट कर लिया मैंने इसे, गैस ऑफ कर रही हूँ मैं तुरंत अभी, एंड इसे भी मिक्सी में लेके मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगी साथ ही में। और ये ठंडा होने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा बेसन लेना है हमें। यहाँ पर मैं दो बड़े चम्मच बेसन ले रही हूँ, हम दो जन हैं तो। इसका ना हमें एक थिक बैटर बनाना है, जैसे हम पकौड़ों को बनाते हैं ना पकौड़े तलने के लिए। हम लोग जो पकोड़े बनाते हैं ना उसका बैटर भी थोड़ा रनी मतलब थोड़ा सा पतला होता है, तो उतना पतला भी नहीं हमें बनाना है, थोड़ा सा ज़्यादा थिक करना है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लिया है, और होल जीरा भी लिया है मैंने। और यहाँ पर मैं ये पेस्ट जो है ना उसमें से 1 से 1.5 चम्मच इसका पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक बैटर बनाना है। सो अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पहले हींग डालूँगी, एंड इसके बाद मैंने जो अनियन और टमाटर उस सब का पेस्ट बनाया था ना वो डाल दूँगी मैं इसमें। उसे अच्छे से पकाना है हमें वो ये जो मसाला है इसे, जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता है, पूरा तेल इससे ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसे कुक करना है। इसे अच्छे से स्टर करते रहिए, एंड अभी इसका ये जो ऑयल है थोड़ा सा साइड से रिलीज़ हो रहा है। अभी मैं स्टेज पे इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि और जल्दी पके। मैंने इसे ढककर भी पकाना है अभी 4 से 5 मिनट तक के लिए। मैं ढक रही हूँ अभी इस पर, एक थाली ले रही हूँ और 4 से 5 मिनट के बाद मैं इसे देख रही हूँ अभी ये कुक है, और अभी इसे और बहुत ज़्यादा कुक करना है। जितना आप इस मसालों को, जो भी हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, जितना आप ज़्यादा उसे कुक करते हो ना उतनी सब्ज़ी अच्छी और एकदम से एकदम अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अभी इन मसालों के साथ भी हमें इसे भूनना है, इसे और 4 से 5 मिनट तक के लिए भूनना है हमें। अभी इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिलीज़ हो रहा है, आप देख सकते हो इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी डाल के 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे भूनना है, इसमें से भी ऑयल रिलीज़ होना चाहिए। एंड अभी ये देख सकते हो आप, अभी इससे इसमें से भी ऑयल रिलीज़ हो रहा है। एंड अभी मैंने इसमें पानी डालना है आपको। अभी इसमें हम वो जो बैटर बनाया है बेसन का, उस बैटर को सीधा हम पकौड़ों की तरह इसमें डालेंगे, जब इसमें बॉयल आएगा तभी। तो इसमें ज़्यादा पानी डाल के ज़्यादा पानी डालने के बाद ही इसमें आप वो बैटर डालें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पकाना है आपको, ये बेसन है, ज़्यादा जल्दी से कुक नहीं होगा। तो इस तरह से पकौड़ों की तरह हमें इसे डालना है, छोटा छोटा आप हाथ से भी डाल सकते हो। बॉयल आने के बाद ही इसमें डालिएगा, और इसे ये सब डालने के बाद आपको फिर से 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे पकाना है। और
और इस तरह से मैंने इसमें सारा बैटर जो है थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ी में। एंड अभी देख सकते हो इससे अभी बॉयल आ रहा है, बट हमें ये रेडी नहीं है अभी, इसे बहुत ज़्यादा बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा पकाना है, तभी ये बेसन जो है वो अंदर तक पकेगा। और साइड में देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि मुझे ना चावल के आटे की दूसरी तरह से, दूसरी रोटी है ना वो जो मैं बनाती हूँ वो नहीं, दूसरी एक हम लोग भाकरी बनाते हैं ना, ज्वारी या बाजरे की जो रोटी बनाते हैं ना, भाकरी कहते हैं उसे, उस तरह से बनाऊंगी मैं। बट इससे चावल का जो, चावल के आटे के जो बनते हैं ना भाकरी, उससे थोड़ा सा गर्म पानी डाल जाता है, बॉयल पानी, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। और पानी डाल के ये आटा जो है उसे पूरी तरह से मिक्स करना है। एंड ढक के हमें एक 5 से 10 मिनट तक के लिए ऐसे रखना है। 5 से 10 मिनट के बाद आप इसे डो बनाइएगा इसका, और साथ में मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। अभी मैं इसे रख रही हूँ आटे को, और सब्ज़ी चेक कर रही हूँ यहाँ पर मैं। ये जो देख रहे हो आप साइड से, उतना वो कम हो चुका है, उतना पानी उसका घट गया है। और अभी मैं इसमें ना इस स्टेज पे चेक कर रही हूँ इसकी टेस्ट, नमक वगैरह चेक कर रही हूँ। इसमें अभी ना थोड़ा सा मैं शुगर डाल दूँगी, ताकि इसके सारे टेस्ट जो है ना, इसका जो टेस्ट है वो मेंटेन हो जाए, बैलेंस हो जाए एक तरह से। एंड अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया और एक ग्रीन चिली इसमें बारीक काट के डाल दूँगी गार्निश के लिए। और अभी मेरी सब्ज़ी जो है वो रेडी है, आप देख सकते हो ये कितनी कम हो चुकी है, पूरी तरह से पक चुकी है वो। अभी यहाँ पर मेरा जो मैंने डो बनाने के लिए आटे में गर्म पानी डाल के रख दिया था, उसका मैं अभी डो बना रही हूँ। ये ठंडा हो चुका है अभी, इसे बहुत ज़्यादा हमें रगड़ना है और अच्छे तरीके से इसका डो बनाना है, वरना हम लोग जो भाकरी बनाएंगे ना वो साइड से टूट जाती है, वो अच्छे से बनती नहीं है। तो आप अभी ना इसे बेल के भी बना सकते हो, बट मैं इसे हाथ से फैलाऊँगी, हाथ से इस तरह से बनाऊंगी मैं इसे। आप बेल सकते हो, बेलने से भी ये अच्छी बनती है, बट मुझे आदत है इसलिए मैं इसे ऐसे बनाती हूँ। मैंने ऐसे हाथ से फैला के अभी तवे पे डाल रही हूँ, और उसके दूसरे साइड में ना थोड़ा सा पानी लगाना चाहिए, वरना है ना इसको है ना, अगर आप पानी नहीं लगाओगे ना तो इसमें ये टूट जाएगी रोटी, ये अच्छे से बनेगी नहीं। आप पलटते टाइम पे ना इसमें स्क्रैचेस जैसे आ जाएंगे, टूट जाएगी ये। तो दूसरे साइड से हम लोग आटे से इसे फैलाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी लगाना चाहिए वो साइड में। अभी दूसरे में मैं बना रही हूँ, इस तरह से मैं सारी रोटियाँ जो है वो बना लूँगी, एंड मेरा डिनर जो है वो भी रेडी हो जाएगा।
सो मेरा डिनर जो है रेडी हो चुका है, अभी मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।